आज के इस वीडियो में दोस्तों आप जानने वाले हो आल रिकवरी से फोटो गैलरी में कैसे लाएं, आल रिकवरी से वीडियो भी गैलरी में कैसे लाएं। हम जानेंगे कि फोटो और वीडियो दोनों आप आल रिकवरी ऐप से अपनी गैलरी में कैसे ला सकते हो। बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा, ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आल रिकवरी ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वो तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पर इस ऐप को सिंपली ओपन करना है, फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक आप वीडियो लाइक कर दो ताकि मेरे को अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, मेहनत करने का आप लोग के लिए। तो सिंपली ये आल रिकवरी कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ऐड को क्लोज कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हो, यहाँ पे आप यहीं पे गलती करते हो। मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ फ़ोटो रिकवरी, वीडियो रिकवरी, कॉन्टैक्ट रिकवरी। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाती है, नंबर सारे डिलीट हो जाते हैं, तो उसे आप रिकवर कर सकते हो और फाइल भी रिकवरी कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपली मान लीजिए आपने फ़ोटो रिकवरी करना है, तो फोटो रिकवरी पर आपको क्लिक कर देना है, अलाउ पर क्लिक कर देना है, फिर से अलाउ कर देना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको इंतज़ार कर लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको इंतजार करना पसंद नहीं होता, तो इंतजार नहीं करते हैं, तो आपको वेट कर लेना है। एक बार फिर से आपको क्लिक कर देना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद देखिए यहां पे लिखा है प्लीज रीड हाउ ऐप वर्क, मतलब पहले आप इसका वर्क जान लीजिए, उसके बाद आप आगे कीजिए। तो यहां पे देखिए सबसे पहले ये वर्क लिखा आएगा, तो उसको छोड़ देना है आपको। नीचे नीचे देखिए, नीचे फोकस कीजिए, यहां पे स्कैन लिखा है, स्कैन। दोस्तों स्कैन में जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखिए यहां पे मेरी डिलीट करी हुई सारी की सारी इमेजेस, सारी सारी फोटो आ जाएगी। और यहां पे देखिए पूरा स्कैनिंग हो रहा है, मतलब जो सालों का फोटो था, वर्षों का फोटो था, सारा का सारा स्कैन हो रहा है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूं क्योंकि यार अभी मोबाइल हैंग करने लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी वीडियो बनाने में। तो मैं इसको यहां पे स्टॉप पर क्लिक कर रहा हूं। ये देखिए 600 700 800 900 इतने सारे फोटो यहाँ पर स्कैन हो रहे हैं, और मैं चाहूँ तो इस सब रिकवर कर सकता हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो ऑल फाइल्स में लिखा हुआ है 2340 2540 ऐसे ऐसे लिखा आता है। तो सिंपली इसे रिकवर करने के लिए आपको ऐसा सेलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करेंगे बार बार ऐसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जब पूरा रिकवर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिकवरी का, रिकवरी पर क्लिक करेंगे तो ये रिकवर हो जाएगा। तो हम इसको बैक कर देते हैं क्योंकि हमें रिकवर नहीं करना है। अब आते हैं वीडियो रिकवरी पे, तो वीडियो रिकवरी पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद स्कैन पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो रिकवरी अगर आपको करना हो तो आप एक काम कीजिए, जब रात हो जाए ना, तो रात जब हो जाती है तो आप मोबाइल चार्ज में लगाते हो, अगर चार्ज नहीं होता है तो। अगर चार्ज फुल होता है तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल में ये रिकवरी लगा दो, वीडियो रिकवरी, क्योंकि ये जो वीडियो रिकवरी होता है उसमें बहुत समय लगता है। तो अपना नेट ऑन रखना, उसके बाद वीडियो रिकवरी पर क्लिक करना ताकि वो पूरी रात में आपका वीडियो रिकवर करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी की सारी वीडियो मेरी डिलीट करी हुई वीडियो दी आ चुकी है। और यहाँ पर रिकवर करने के लिए सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेना है, कितने वीडियो चाहिए आपको सिलेक्ट करके, उसके बाद रिकवरी वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो ये रिकवर हो जाएगा आपकी गैलरी में। ये सारी की सारी इमेजेस, सॉरी ये सारी की सारी वीडियोस आपकी गैलरी में वापस रिटर्न आ जाएंगे। तो सिंपली इस तरीके से आपको करना है। तो अभी हम इसको बैक कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से और ऐड को क्लोज कर देते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट रिकवरी करना है तो कॉन्टैक्ट रिकवरी पर क्लिक करो, जितना भी आपने कॉन्टैक्ट डिलीट करा होगा, जितना भी नंबर डिलीट करा होगा, सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। बस क्या है, थोड़ा सा आपको बस टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी बस आपको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, आपका सारा काम हो जाएगा। तो गाइस बिल्कुल इसी तरीके से आप कॉन्टैक्ट रिकवरी, फोटो रिकवरी, वीडियो रिकवरी, फाइल रिकवरी सारा कुछ कर सकते हो। दोस्तों जल्दी से कर लो अगर ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में ये आपको अभी फ्री दे रहा है तो हो सकता है पैसा भी लेने लगे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये लोग फ्री देते हैं, कुछ दिन के लिए आपको फ्री में देते हैं, बाकी कुछ दिन के बाद पैसा लेने लगते हैं। तो भैया फ्री में अगर मिल रहा है ना तो कर लो, अच्छा रहेगा अगर आपका डिलीट हुआ है तो, नहीं तो जब पैसा मांगने लगेगा तो भैया पैसा देना पड़ेगा यार, क्योंकि वो कुछ सेवाएं दे रहा है तो आपसे पैसा ले रहा है। तो यही थी वीडियो दोस्तों, और वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कर दिया करो और कमेंट में अपने सवाल ज़रूर पूछा करो, और चैनल पे पहली बार आया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, फिर मेरे को कमेंट में बताना दबाया या नहीं दबाया। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।